हमारे भक्ति के बीच में आप लोग अगर आएंगे तो हम हमारा शक्ति दिखाना पड़ेगा। हमारे नगर में जितने भी कार्यक्रम होंगे, मैं और अप्पूगढ़ हर तरफ हम लोग आएंगे। हमारे को हम परमिशन पूछेंगे नहीं, हमारे भक्ति के बीच में नहीं आना है। आप जैसे आप लोग को पता है, कल अयोध्या में 500 साल के बाद राम जी वापस आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से वो कार्यक्रम उद्घाटन हो रहा है। लाखों 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 कार सेवक, लाखों लाखों हिंदू भक्त लोग, पूरे लोग वहाँ कल जा रहे हैं, अयोध्या में कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में हर तरफ जो लोग जो नहीं जा सकते हैं, उनके उनके मंदिर में भजन कीर्तन और दीप लगा के उत्सव बनाने वाले हैं। तो मैं कलबुर्गी के सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, डीसी ऑफिशियल्स को, सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल के दिन आप लोग विदाउट एनी रीज़न डिस्टर्बेंस मत करिए। हमारे जो भी कार्यक्रम चलेगा बहुत शांतिपूर्वक चलेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अननेसेसरी कौन से भी रिस्ट्रिक्शंस आप मत लाइए। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, हमारे भक्ति के बीच में आप लोग अगर आएंगे तो हम हमारा शक्ति दिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। कोई परमिशन नहीं दे रहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर? ये इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भक्त लोग हैं, हम हिंदू बोलोगे, हमारे राम 500 साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनका प्रतिष्ठापना हो रहा है उधर, तो हमारे को मन से शांति से करने दीजिए। नहीं, फंक्शंस कुछ भी नहीं, अपने अपने मंदिर में, अपने अपने घर में, अपने अपने मंदिर में हम लोग शांति से भजन कीर्तन करने वाले हैं, प्रसाद रखेंगे, राम आया बोल के हम लोग उत्सव मनाएंगे। सर हमारे को कुछ भी नहीं मालूम, हमारे को हम परमिशन पूछेंगे नहीं, हमारे भक्ति के बीच में नहीं आना है आपको। लास्ट क्वेश्चन सर, वो हिंदू कार्यकर्ता के साथ आप क्या है कल कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में दक्षिण और उत्तर मत क्षेत्र में जो कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, पूरे हमारे नगर में जितने भी कार्यक्रम होंगे, मैं और अप्पूगढ़ हर तरफ हम लोग आएंगे। आप लोग कुछ भी मन में डर मत रख लिए, आपका जितना भी भक्ति है, आपको जो भी करना है आप करिए, हम और अप्पूगढ़ आपके पीछे है। देखो आज प्रेस मीट हुआ है, ये कि हम विनती कर रहे हैं सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को, ये कल का जो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2024 रामलला बैठ रहा है, उस दिन लोगों को फ्री छोड़ो, कोई दबाव में कुछ डराओ मत। यहाँ के गुलबर्गा के हर समाज के, इवन माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ है, इसके एनकरेजमेंट कर रहे हैं। बहुत किसी पर दबाव डालकर उनका भावना को दबाना नहीं बोलकर हमने प्रेस किया। दूसरे दूसरे तालुकों में परमिशन नहीं मिली या डीजे को परमिशन नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हिंदू कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। देखो राम भक्तों को, हिंदू कार्यकर्ता राम भक्त, हिंदू भी है मुसलमान भी हर लोग है, राम भक्तों को कोई दबाना नहीं बोल के बोले हम। वो लोग हर उनको कोई इंस्ट्रक्शन लगता है बुलाकर, ऐसा ये नहीं होना बोलते, उसके लिए हम सब, हमको वो सब पुलिस क्यों करते हैं, ये उसका उनका भी कोई माँ बाप होगा ना, उनके तरफ से दबा रहा है बस। आप देख रहे हैं गुलबर्गा की आवाज़ न्यूज़ चैनल, सबसे तेज और सबसे आगे।